वरिष्ठं वाताज्मजं वानरं
श्री राम सूतम शरणम प्रपद्ये मंगल मूरति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाई गुण गावहु सिया राम के श्री हनुमत हो साई गुरु श्री हनुमान जी महाराज की जय।
परम सौभाग्य की बात है सियारा, जे लिए आपके पावन पुण्य मानस धरा धाम ग्राम खड़मा के ये पवित्र प्रांगण में सियारा भगवान श्री राम भद्र जी के बहती कृपा और समस्त ग्रामवासी ग्राम खड़मा के विशेष सहयोग से सियारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर में सियारा लगातार 3 दिन तक के राम कथा के अविरल गंगा धारा बोहावा थे सियारा और ये राम कथा के सरलक बोहावत धारा में सियारा हमर जैसे अभागा और अकिंचन लड़का मनला आप मन डुबकी लगाए के अवगाहन करे के स्नान करे के अवसर प्रदान करे हो सियारा। सबसे बड़े बात तो ये है प्रेमी सजनों कि हमर जैसे अकिंचन लड़का मनला आप मन वाणी पवित्र करे के जैन सुअवसर प्रदान करे हो ना एक कर लिए आप सबला में हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करत हो सियारा। ताई दीदी भैया हो आप सबके स्नेही चरण कमल में सियारा दीप्ति राम धुनी परिवार ग्राम रानी तराई तहसील पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के नान्हे अबोध लड़का मन के बाहर में सियारा सत सत नमन है कोटि कोटि प्रणाम है आप मन हृदय से स्वीकार करो सियारा। आओ आप सबके आशीर्वाद पाव सियारा आप सबला सीधा सीधा लिए चलता राम कथा के पावन यात्रा में सियारा जैन प्रसंग ला आधार बना करके आप सबके बीच में चर्चा करना है सियारा ओला अगर भक्ति के शिरोमणि कह दिए जाए तो कोई अति संयुक्ति बात नहीं है सियारा। भक्ति के शिरोमणि माता सबरी के प्रसंगला आधार बना करके मति अनुसार चर्चा करे के हमर प्रयास होगी सियारा। निश्चित ही गलती होगी वो समस्त गलती के लिए समस्त श्रोता समाज से सियारा समस्त विद्वत जन से सियारा हाथ जोड़ के मैं सादर क्षमा चाहत हूँ सियारा। आवो राम कथा में आप सबके हार्दिक अभिनंदन है सियारा पुनः आप सबके चरण कमल में नमन है वंदन है सियारा। राम मंगल भवन अमंगल हारी राम सिया राम राम द्रव सुदशरथ अजुर बिहारी राम सिया राम बसहु राम सिया मानस मोरे रामा सिया सबसे पहली बात तो ये है प्रेमी सजनों की वास्तव में सबरी कुंडा के हृदय की सियारा संत मन के बहुत सुंदर अखन विचार है सियारा कि इनके जेकर जीवन में धैर्य हो सियारा जेकर जीवन में सब्र हो सियारा परिस्थिति चाहे कतको कठिन से कठिन विषम से विषम आ जाए सियारा जेकर सब्र के बांधना टूटे ओकर नाम है सबरी की सियारा। और संत मन के घलो बहुत सुंदर अखन विचार है सियारा
साधन बरी बराबर सबरी माने जेन हा समस्त प्रकार के विकार से बरी होशियारा। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार ये होते प्रेमी सज्जनों हमर और आपके जीवन के छह ठिन विकार। ये समस्त प्रकार से विकार से जेन बरी हो ओकर नाम है सबरी की होशियारा। साधारण बोल चाल के भाषा में अगर गोथियावन ना तो जंगल में कोल भीलमन के एक झील राजा है सियारा। राजा के नाम है सबर और सबर के घर में बेटी के रूप में जन्मे है एकर कारण ओकर नाम है सबरी की होशियारा। जैसे राजा जनक के बेटी के नाम है जानकी सियारा। राजा द्रुपद के बेटी के नाम है द्रौपदी सियारा। ठीक वही प्रकार से राजा सबर के बेटी के नाम है सबरी की होशियारा। सबरी के जीवन में भक्ति के प्रादुर्भाव कहाँ से हो है सियारा। सबरी के हृदय में वो ज्ञान के दीपक है देन कहाँ से जले है सियारा। आओ कथा के माध्यम से जाने के प्रयास कर होशियारा। सबसे पहली भगवती जगदम्बा के चरणारविंद में एक श्रद्धा सुमन अर्पित करन सियारा। तत्पश्चात आप सब ला लिए चलबो राम कथा के पावन यात्रा में सियारा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरे नारायणी नमोस्तुते। गुरु दुर्गा मैया की जय। जय हो मैया पार्वती हो राम। जय हो मैया पार्वती और जय हो दुर्गे इंदुमती की सियारा। आज इंदुमती के गर्भ से सियारा एक बेटी हावे थे जन्म लेकर के आए सियाराम। वो बेटी जन्म लेकर के आए जेला दोनों कुल के तारने वाली दोनों कुल के पवित्र करने वाली कहे गए सियाराम। रामचरित मानस ये बात ला प्रमाणित करते सियाराम कि पुत्री पवित्र किए कुल दो ये बेटी हावे तेन एक कुल ना नहीं बल्कि दोनों कुल के पवित्र करने वाली हो थे सियारा। अब एकरे पाए के संत मन की है कि फूलों की नाजुक पंखुड़ी की तरह होती है बेटिया
स्पर्श अगर खुरदरा हो तो रोती है ये बेटियां, अरे एक कुल को रोशन करते हैं ये बेटे, पर दोनों कुल को रोशन करती है ये बेटियां के हिस्यारा। ऐसन बेटी है तेन जन्म लेकर के आए सियारा, जेला भगवान के सबसे बड़े वरदान के रूप में हमर संत मरहा रखे है सियारा। बेटी इस जहान की आन बान और शान है सियारा, बेटी इस जहान की आन बान और शान है सियारा, बेटी भगवान का सबसे बड़ा वरदान है सियारा। विचार करके देखो प्रेमी सज्जनों, ये संसार में अगर बेटी निरतिष्ठता होती सृष्टि के संचालन है दिन कहीं ना कहीं बाधित हो जाती सियारा। रौनी कुमकुम मेहंदी का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन में चंदन का प्यार नहीं होता, वो घर वो आंगन हमेशा सूना सूना लगता है प्यारे, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता सियारा। ऐसन बेटी है तेन जन्म लेकर के आए सियारा, आनंद उत्सव मनावा थे रामा, और सब रीना में धरा है माता पिता ला समझ में नहीं आए कि हिसियारा। सबरी हाँ घले विवाह के लायक हो गए हिसियारा, बेटी अगर विवाह के लायक हो जाए तब माता पिता ला चिंता हो जाते हिसियारा। काबर यही संसार के रीत हरे प्यारे कि बिटिया जब वयस्क हो जाए तो ब्याह रचाना ही पड़ता है, दिल में दर्द बहुत होता है पर विदा कराना ही पड़ता है सियारा। राजा सबरला घलो चिंता होइन सियारा, अपन बेटी सबरी के लिए बड़ा सुंदर योग्यवर के तलाश करे हैं, विवाह के तिथि घलो तय हो गए है सियारा, विवाह के सारे व्यवस्था ला राजा सबर है देख करे थे सियारा। अड़बड़ अकन भेड़ बकरा ला बांधे है सियारा, सबरी हावे तेन हा देखी और जा करके अपन महतारी ला पूछा थे सियारा। कथे माँ हमार घर में तो ये कोठीन भेड़ बकरा नहीं है माँ, आखिर अतेक अकन भेड़ बकरा हमार घर में बंधा है माँ, का कारण से बंधा है कृपा करके मोल बताओ के है सियारा। महतारी हावे तेन पुचकारते हुए कथे बेटी ते नहीं जानस, तोर बिहाव हो गया है बेटी बिहाव के हिसियारा, तोर बिहाव में जतका यकन सगा संबंधी रिश्तेदार हावे तेन सबला नेवता पठोए हन बेटी, आओ विवाह के दिन वो दुल्हा राजा हावे तेन अड़बड़ अकन बरतिया धर गया हिसियारा, तब ये जतका यकन भेड़ बकरा देखा था सुना बेटी, ये सब के सबला वो दिन काट के एकरे भोजन बनाए जा ही सियारा, सबला परोस के खवावो बेटी और तभी तो सबे सगा संबंधी के मान सम्मान हो पाही ही सियारा। अतका बचल्ला सबरी है तेरहा सुने है सियारा, सबरी हावे तेरहा सिर से लेकर के पाँव तक के कांप गए है कि ही सियारा। अतका बचनला सुननला आगे रामा, और सबरी सोचन लागे रामा।
करिस कथे धिकार हे ऐसन मोर खुशी ला के हिसियारा। जेन आज एक के खुशी के खातिर सैकड़ों निरीह प्राणी हाथों देकर प्राण चले जाही भगवान, का काम के ऐसन मोर खुशी हा के हिसियारा। सबरी के जीवन में परोपकार के भाव है सियारा, पर ही तो सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई के हिसियारा। सबरी हावे तेन हर दृढ़ संकल्प करी सियारा, किहिन भले मोला जीवन भर कमारी रहे भर पड़ जाए सियारा, लेकिन मोर खुशी में काकरो प्राण चले जाए ये सबरी ला स्वीकार नहीं है कि सियारा। सबरी हावे तेन करीन का सियारा, रात के बेरा में जतका यकन भेड़ बकरा घर में बंधा है ना, वो सबके सबला ढील के बंधन मुक्त कर दिन सियारा। भेड़ बकरा हावे तेन जंगल में स्वतंत्र विचरण करत है सियारा। याद रखो प्रेमी सज्जनों, हमर माध्यम से काकरो भलाई होही, हमर माध्यम से काकरो जीव के रक्षा होही, हमर माध्यम से अगर काकरो कल्याण होते वो दिल से दुआ देते, हृदय से आशीर्वाद प्रदान करते सियारा। वो निरीह प्राणी भेड़ बकरा हावे तेन सबरी लाय आशीर्वाद दीन कथे बेटी, आज ते हमरा बंधन से मुक्त करे हसना, जा हमारा आशीर्वाद है सियारा। सांसारिक मोह माया के बंधन से ते मुक्ति पाले की है सियारा। सबरी है देन करीन का सियारा, रात उनके बेरा में अपन घर परिवार ला छोड़े है सियारा। घर परिवार छोड़न लागे रामा, और सबरी चलन लागे सबरी है ते जंगल के मार्ग पकड़े है सियाराम, ना ओकर जीवन में कोई डर है ना भय है सियाराम, सबला ऊपर वाला के भरोसा छोड़ के आज सबरी हावे तेन हा सियाराम। और जंगल के मारा चला लागे रामा राम सियाराम। रात में जंगले जंगल जावा थे भटकते 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 भटकते, आज सबरी है तेन पहुंचे कहा है सियाराम, जहां पर मैं मतंग मुनि के आश्रम है तेन बने हुए है सियाराम। दूर से ही सबरी है तेन देखी के वो दिन है आश्रम में दीपक जला थे सियारा। दीपक के जलना ला देखते ही समझ गए कि आश्रम में कोई न कोई संत ऋषि मुनि के बसेरा है कि सियारा। क्यों ना यहाँ संत मन के आश्रय पा करके सियारा, इही आश्रम के पिछवाड़ा में रात हावे तेला में पहाड़े थम कि सियारा। तेला बेटी पहावा थे रामा राम सिया रामा। औ ब्रह्मा मुहूर्त के बेरा है रामा राम सिया रामा। ब्रह्मा मुहूर्त में मतंग मुनि हावे तेन पूरा ऋषि मंडली ला ले करके पंपा सरोवर में स्नान करे भर जावे सियारा। आज भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके
पूरा ऋषि मंडली ला लेके पंपा सरोवर में स्नान करे भर गए हे सियारा। आश्रम के पिछवाड़ा से सबरी हे देन देखत हे सियारा। आश्रम हावे तेन बिल्कुल सुना है, खाली है और सबरी हावे तेन वो आश्रम में आज आए सियारा। आश्रम में आए के बाद सबरी हे देन करत का हे सियारा और साफे सफाई करा लागे रामा राम सियारा। ओती पर स्नान करके मतंग मुनि हावे तेन आश्रम में प्रवेश करे हे सियाराम। आ करके अपन आश्रम न देखे तो बड़ा सुंदर बन गए है, साफ सफाई हो गए है सियाराम। मतंग मुनि हे तेन विचार कर इसके भगवान ऐसन कौन महामना हो ही सियाराम, ऐसन कोई भला मानुष हो ही सियाराम जे निस्वार्थ भाव से हमर आश्रम के सेवा करे हे सियारा। ऐसे करत करत तू चार दिन हफ्ता दिन पंद्रह दिन बीते हे सियारा। मतंग मुनि हावे तेन विचार करिन कि जेन ब्रह्म मुहूर्त में हमन स्नान करे बर जाथन ओतकी बेरा में आकर के हमर आश्रम के साफ सफाई करके जाते कि सियारा। जरूर ओकर हृदय में राम जी के भक्ति हे सियारा, जरूर ओकर हृदय में परोपकार के भावना हे सियारा और तभी तो निस्वार्थ भाव से वो सेवा करते कि हे सियारा। तब ये हा हमर आश्रम से ज्यादा दूर नहीं है सियारा, बिल्कुल हमर आश्रम से लगे हुए हैं, बिल्कुल हमर आश्रम के आसपास है। ऐसन महामना के दर्शन करना जरूरी है कि हे सियारा। मतंग मुनि हे तेन का करी सियाराम, स्नान के बहाना निकले है, कुछ दूर जा कर के छुप कर के देखा थे और यदि बर सबरी हे तेन समझिन कि सबके सब स्नान करे बर गए हे सियाराम। सबरी हे तेन आश्रम में आए हे सियाराम और साफे सफाई कर लागे रामा राम सियाराम। सबरी के सामने आकर के खड़े हो गए हैं सियाराम। मतंग मुनि ना देख करके सबरी हावे तेन सिर ला झुका करके खड़े हैं सियाराम। मतंग मुनि हावे तेन बड़ा प्रेम भरे बाणी से पूछिस कथे बेटी ते कौन है, कहां रथस बेटी, कहां तोला जाना है और तोर जीवन के अंतिम लक्ष्य का है बेबी, तेला कम से कम मोला बता के ही सियारा। मतंग मुनि के प्रेम भरे वाणी ला सुने है सियारा, सबरी के दोनों नेत्र से झरझर आंसू के धारा है तेन बहत है सियारा। हाथ जोड़ करके आज ऋषि के चरण में गिर के कथे का बताओ ऋषिवर मोर जीवन के व्यथाला के हिसियारा। मैं राजा सबर के बेटी सबरी हरो महाराज, मोर विवाह में सैकड़ों निरीह प्राणी के प्राण जाने वाला रही से ओकर मन के प्राण रक्षा करे बर घर परिवार ला छोड़ के मैं जंगल जंगल भटका था के हिसियारा। लेकिन अब मैं आपके शरण में हूं, आप मोर रक्षा करो के हिसियारा। मतंग मुनि हावे तेन हकथे बेटी, तोला चिंता करे के आवश्यकता नहीं है सियारा, बहुत सुंदर और उपयुक्त स्थान में ते आए हस बेटी, यही आश्रम में ते रही करके अपन जीवन ला संवारने के हिसियारा। सबरी हावे तेन हरकथे कि मैं भक्ति करना चाहत हूं, मैं राम जी के दर्शन करना चाहता हूँ कहीं सियारा।
मतंग मुनि हावे तेन हरकथे की बेटी उपयुक्त स्थान में आए हस। इही स्थान में रही करके राम जी के भक्ति करते हुए ते अपन जीवन हावे तेला सवार में तोर जिंदगी ला बंदगी बनाने की हिस्यारा। सबरी हावे तेन वो आश्रम में रहना स्वीकार कर ली सियारा। सबरी हावे तेन भी आश्रम में रहा थे सियारा। याद रखो प्यारे, जीवन में आप कतको बढ़िया काम कर लो, आपके चार जिन विरोध करने वाला रहीच कथे सियारा। मदंग मुनि हावे तेन हर गोला आश्रय दी सियारा। मदंग मुनि हावे तेन हर गोला शरण दे है सियारा। लेकिन और ऋषि मुनि हावे ते मन हा मदंग मुनि के विरोध करे है सियारा। लेकिन याद रखो प्यारे, जेकर नाम ही मदंग है, मदंग के एक नाम होते हाथी। आप देखे हो, तुम तो जंगल के रहवैया हो, घेरी बेरी तुम्हार गांव हाथी आत हो ही सियारा। लेकिन जेन मन हाथी लेकर के आते तेन ल देख लो, आए तू मन हा होकर पूजा करहू तो पाछू डहल ले कुकुर है तेन हा भूकत रथे सियारा। तो आपके पूजा करे से, आपके आरती करे से हाथी कोई फर्क पड़ते ऐसा बात नहीं। ते पूजा कर देखो प्रभाव नहीं पड़े, लेकिन वो पाछू डहल ले कुकुर भूखी ना देखो प्रभाव होकर जीवन में नहीं पड़े के हिस्यारा। इही काय तो किहिस के भैया, इही संत के प्रवृत्ति है, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज के हिस्यारा। चाहे वो कर आप कतको निंदा कर लो, चाहे वो कर आप कतको स्तुति कर लो, हाथी ला फरक नहीं पड़े के हिस्यारा। ठीक ही प्रकार से जतका जी ऋषि हावे ते मन विरोध करी सियारा, मदंग मुनीला कोई फर्क नहीं पड़ी। सबरी हावे तेला अपन आश्रम दे स्थान दे हे सियारा। समय हावे तेन बड़ा सुंदर अकन बीता थे, और एती बर सबरी हावे तेन हा सारे कार्यला करके राम जी के भक्ति करा थे सियारा। भजले सीतारा रे बंदे, भजले राजा राम, भजले सीताराम 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 रे बंदे, भजले राजा राम, भजले सीताराम। निस्वार्थ भाव से गुरु चरण के सेवा करत है सियारा। दिन भर आश्रम के काम करे के बाद में जब भी वाला समय मिले गुरु चरण के सेवा करना
और राम जी के भक्ति करना ये सबरी के जीवन के उद्देश्य बन चुके हैं। सियाराम गुरु चरण के सेवा निस्वार्थ भाव से मान रहित होकर के मैया सबरी हे करत है परिणाम होकर का मिली। सियाराम सबरी के हृदय में भक्ति के ज्योत है दिन प्रकाशित हो गए है। सियाराम सबरी के हृदय में भक्ति के दीपक है दिन जल चुके है। सियाराम सबरी के दिन हावे दिन हा बड़ा सुंदर बीता थे। सियाराम और समय का भाई बीता न लाग रामा। सियाराम एक दिन के बाद मतंग मुनि के प्रयाण करे के समय प्राण त्याग करे के समय आगे है। सियाराम मतंग मुनि हावे ते सबरी राय अपन पास में बुला करके कथे बेटी अब मोर प्राण त्याग करे के समय है दिन आगे है। सियाराम काबर आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर की हिस्सियारा। जेन ये संसार में आए है तेन ला एक ने एक दिन जाना है बेटी अब मोर समय हावे तेन आगे है ये प्राण के त्याग करके अब मुला जाना है कि हिस्सियारा। गुरुदेव के मुख से ऐसन वाणी ला सुने है सियारा सबरी के दोनों नेत्र से अश्रु के धारा है तेन बहत है। सियारा औ गुरु चरण गिरा न लाग रामा। सियाराम सबरी हावे ते निवेदन करी कथे गुरुदेव आपके आशीर्वाद ला पा करके सियाराम आपके सानिध्य ला पा करके गुरुदेव मोर जीवन हावे ते धन्य हो गई से सियाराम और ऐसा समय में आप भी मोर संगला छोड़ के चल देवो की कहा थो गुरुदेव आप अगर प्राण के त्याग कर दो गुरुदेव तो आपके साथ में सबरी घलो अपन प्राण के त्याग कर दी ही की सियारा। मदंग मुनि हावे ते सबरी के सिर में हाथ फेर के कथे बेटा प्राण त्यागे के बात बेटा बिल्कुल मत करना की सियारा। तोला ये संसार में जीना है बेटी तोला ये संसार में रही करके ऊंचा नाम करना है बेटी प्राण त्यागे के बात बेटा बिल्कुल मत करना कि सियाराम। एक निवेदन कर दो सबरी ये आश्रम में रहने वाला जब का यकर ऋषि मुनि हावे ते मन ये आश्रम ल छोड़ के भले चले जाए बेटी लेकिन तोर से निवेदन है ये आश्रम ला छोड़ करके ते मत जावे कथे सियारा। इही आश्रम में रही करके ते जीवन भर प्रतीक्षा करके देख लेवे बेटी इही आश्रम में रही करके ते हा जीवन भर इंतजार करके देख लेवे बेटी जा मोर आशीर्वाद है एक न एक दिन इही कुटिया में आ करके राम जी हावे ते तोला दर्शन दीही की सियारा। आज ये आश्रम हावे तेन मतंग मुनि के आश्रम कहलात है सियाराम मोर प्रयाण करे के बाद आगे चल करके ये जन आश्रम है तेन हा सबरी आश्रम के नाम से जाने जाहि सियाराम। इही आश्रम में रही करके ते जीवन भर इंतजार करके देख ले बेटी तोला राम जी ला खोजे बर जाए के जरूरत नहीं है बेटी राम जी हावे तेन इही कुटिया में आकर के तोला दर्शन दीही की सियारा। औ आशीर्वाद देवा न लाग रामा। सबरी हावे तेन हाथ जोड़ करके कथे गुरुदेव आप मन हा कहा थे कि ये आश्रम में आकर के प्रभु राम हावे तेन हा दर्शन भी है लेकिन मैं तो राम ला देखे नहीं हूं कि सियाराम अरे एक
ओकर स्वरूप का है तेन ला पहचाने नहीं हो गुरुदेव। अगर राम जी हावे तेन ये कुटिया में आकर के दर्शन दी कैसे ढंग के में राम जी हावे तेन ला पहचान पाऊंगी सियाराम। कैसे ढंग के में प्रभु राम हावे तेन ला मैं चीर पाऊं गुरुदेव। आप मन बोला रास्ता बताओ कि सियाराम। और तब मतंग मुनि हावे तेन भगवान राम ला पहचाने के लिए मैया सबरी हावे तेन ला पांच छिन लक्षण बताए है सियाराम। अब यही पांच छिन लक्षण ला बताए के बाद मतंग मुनि हावे तेन अपन प्राण के त्याग करे है सियाराम। और सबरी वो दुखी हो लागे राम त्याग कर दी सियाराम। हम सब ये संसार सागर में जन्म लेकर के आ है ना सब के सबला एक दिन अपन प्राण के त्याग करना है सियाराम। पावर क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा ये पांच तत्व से बने हुए जिन शरीर है प्यारे उला पंच तत्व में विलीन हो जाना है सियाराम। माटी के काया जेन हावे तेला माटी में ही मिल जाना है कि सियारा। माटी के काया एक दिन माटी मा मिल जाहिरा माटी के काया ये तुम माटी मामी ले जाहिरा। माटी के काया ये तुम माटी मामी ले जाहिरा। गाले हरे भजन ये चोला कर जाहिरा। गाले प्रभु भजन ये चोला कर जाहिरा। माटी के काया ये तुम माटी मामी ले जाहिरा। माटी के काया ये आश्रम के साफ सफाई करना बगिया में से जाकर के सुंदर सुंदर फूल चुन करके लाना पूरा रास्ता भर बिछाना और कुछ न कुछ फल के व्यवस्था करके दिन भर भगवान राम जी के प्रतीक्षा करना इंतजार करना कि सियारा। गुरु के वचन में पक्का विश्वास करे है सियारा। काबर सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संजम यह न विषय के आशा के है सियाराम। वो गुरु के वचन में पक्का विश्वास करके आज सबरी हावे तेन गुरु के वचन ला गांठ बांध करके धरिन और दिन रात भगवान राम के इंतजार करत है सियाराम। सबरी प्रतीक्षा
प्रभु बराम के आज करण लागे राबरा बे रघुराई हो रामा मोरे नैना तरसे कितना लंबा प्रतीक्षा सबरी हवे तेन अपन जीवन में करे है सियारा लेकिन जेकर नाम ही सबरी है प्यारे सज्जनों उतका इंतजार अगर हमला करे बर पड़े ना तो हमार धैर्य हवे तेन जवाब दे दे सियारा लेकिन वो सबरी हरे सियारा यथा नाम तथा गुण सबरी हवे तेन गुरुदेव के वचन में पक्का विश्वास करे है काबर बिनु विश्वास भगत नहीं तेही बिनु द्रवहि न राम राम कृपा भी न सपने हो जीव न लह विश्राम के सियारा गुरु के वचन में पक्का विश्वास करके इंतजार करते 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 सबरी हे तेन गुड़िया से आज बुढ़िया हो चुके हैं सियारा सबरी के दृश्य आप मत देखे हो प्यारे सज्जनों सबरी के पूरा बाल है दिन पक चुके हैं चेहरा में पूरा झुर्री आ चुके हैं दांत हवे दिन लगभग टूट चुके हैं सामने के दो चार ठीक बाचे हैं सियारा लाठी के सहारा टेक टेक करके जीवन जीने वाला सबरी आज भी भगवान राम के प्रतीक्षा करत है सियारा लंबा प्रतीक्षा सबरी ओ मैया आज करण लागे आ जाओ रघुराई हो रामा तोरे रास्ता जो हम संत मन के कहना है प्यारे सज्जनों कि इंतजार के जिन फल होते तेन मीठा होते सियारा आज मैया सबरी है तेन जीवन भर इंतजार करे है ना मैया सबरी ला वो कर मीठा फल मिलने वाला है सियारा काबर भगवान राम जी हावे तेन माता सबरी के आश्रम में अपन पावन पगला धरने वाला है सियारा कथा प्रसंग ले आप सब जानत हो सियारा भगवान राम जी हावे तेन ला 14 बरस के बनवास हो है तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी सियारा जगत जननी माँ सीता और छोटे भाई लखन लाल के सही 14 बरस के बनवास में है सियारा जेल में के लगभग 13 साल के समय ला भगवान राम जी हावे तेन चित्रकूट के पावन भूमि में बिताए के पश्चात पंचवटी में जा करके पर्णकुटी बना करके वो पंचवटी में निवास करे है सियारा जी हाँ जगत जननी माँ सीता जी के हरण हो चुके है सियारा माँ भगवती सीता के पता लगाते हुए भगवान राम हावे तेन जटायु के उद्धार करे है कबंध के उद्धार करे है सियारा दोनों के उद्धार प्रभु का राम जी आज करण लागे और सबरी के आश्रम पावन चरण ला प्रभु धरण लागे हरे भगत
सागरी के आश्रम पग धारा सियाराम भगवान राम हवे तेन सबरी के आश्रम में पहुंचे हे सियाराम। अपन छोटे भाई लखन लाल के सहित पहुंचे हे सियाराम। मैया सबरी हवे तेन हा देखत हे सियाराम। सबरी देखी राम गृह आए अमुनि के वचन समुझ जिय भाई सियाराम। जैसे ही राम और लक्ष्मण ला देखे हे सियाराम। याद रखो माता सबरी है तेन भगवान राम ला पहचाने नहीं है, सिर्फ देखत भर है, लेकिन देखते ही हृदय में आनंद हवे तेन हा उमड़े भर लग गए हे सियाराम। सबरी के हृदय में आनंद हा जब भरी सियाराम, तब वो अपन गुरुदेव हवे तेन ला याद करी इसके थे गुरुदेव आपके वचन ला मान के मैं जीवन भर प्रतीक्षा करे हो गुरुदेव, शायद आज मोर प्रतीक्षा है तेन सफल हो गए तैसे लाग थे, आज मोर हृदय में आनंद हवे तेन हा उमड़त हे सियाराम। भगवान राम कोने सियाराम, भगवान राम जी हावे तेन आनंद के सागर है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तैत्रे लोक के सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा के सियाराम। माता सबरी हावे तेकर आनंद है बढ़त जात है सियाराम। पक्का विश्वास होवत है कि आज गुरुदेव के कहना हावे तेन हा सफल हो गए सियाराम। अरे आनंद जिंदगी का रामा तभी आएगा कहां, अरे मजा जिंदगी का तभी आएगा राम, अरे लगन राम जी में लगा के राम सबरी हावे तेन वो पांचों लक्षण के माध्यम से भगवान राम जी ला पहचानना चाहते सियाराम। का का लक्षण बताए सियाराम? गोस्वामी जी महाराज हावे तेन एक चौपाई में चार ठिन लक्षण ला लिखे है सियाराम। का सरसी जलोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उर्वन माला के सियाराम। पहला लक्षण बताए है सरसिज लोचन। सरसिज कहे जाते प्यारे सज्जनों कमल्ला, लोचन कहे जाते ये नेत्रला, माने मैया सबरीला बताए है जेकर नेत्र हावे तेन हा कमल के समान रही सियाराम। माता सबरी हावे तेन हा भगवान राम जी के आखिला देखत है सियाराम। सचमुच में भगवान राम जी के नेत्र हावे तेन हा कमल के समान है सियाराम। ओखरे पाए के भगवान के एक थी नाम है का कमल नयन, लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योगिर भी ध्यान गम्यम, वंदे विष्णु भव भैरम सर्वलौकिक नाथम सियाराम। पहली पहचान ला पाए है सियाराम। सचमुच में भगवान राम जी के नेत्र हावे तेन हा कमल के समान है सियाराम।
हाँ पहली वो पहचान सबरी प्रभु में पावन लागे रामा और दूसरा लक्षण लदाई देखन लागे विशाला के सियारा के हे हावे के जेकर भुजा हावे तेन हविशाल रही सियारा माता सबरी हावे तेन भगवान राम के भुजा हावे तेला देखत हे सियारा सचमुच में भगवान राम जी के भुजा हावे तेन भिजाल विशाल हे सियारा और ओकरे पाए के भगवान के एक नाम है भुज प्रलंब के सियाराम भुज प्रलंब कंजारुण लोचन के हे सियाराम तू फिर पहचान ला पाली तीसरा का है जटा मुकुट सिर माने जेकर सिर में जटा के मुकुट रही न सोना के न चांदी के न हीरा के न मोती के सियाराम भगवान राम के सिर में का रही तो किस के भैया जटा के मुकुट हावे तेन शोभाय मार रही सियाराम माता सबरी है तेन अपन पथराई नेत्र से देखत है सियाराम भगवान राम जी के सिर ला सियाराम सचमुच में भगवान राम जी के सिर में जटा के मुकुट है तेन शोभाय मान है सियाराम सबरी के आनंद है तेरा बढ़त है सियाराम और तीन ठिन पहचान सबरी प्रभु में पावन लागे रामा और चौथा लक्षण लदाई देखन लागे रामा चौथा लक्षण बताए है उर वन माला माने उर माने होते हृदय वन माने होते तुलसी माने जेकर हृदय स्थल में जेकर वक्ष स्थल में तुलसी के माला है तेन सुशोभित रही सियारा माता सबरी हावे तेन भगवान राम जी के वक्ष स्थल ला देखत है सियारा सचमुच में भगवान राम जी के हृदय में तुलसी के माला है तेन सुशोभित है सियाराम ये चार ठिन पहचान कंडरी सियाराम पांचवा लक्षण का बताए है सियाराम श्याम गौर सुंदर दो भाई सियाराम पांचवा लक्षण बताए है एक भाई हावे तेन हा सावला सरौना रही सियाराम दूसरा भाई हावे तेन हा गोरा रंग के रही सियारा मैया सबरी हावे तेन हा दोनों भाई ना देखा थे सियारा सचमुच में भगवान राम जी है तेन सावला सलौना है नील वर्ण के है सियारा और ओकर स्वरूप के दर्शन तो गोस्वामी जी महाराज है तेन करे इनका नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम लाज ही तन शोभावी रखी कोटि कोटि सत्काम की है सियाराम भगवान राम के स्वरूप कैसन है प्यारे सज्जनों की इनके भैया करोड़ों काम देवला लज्जित कर देने वाला वो परमात्मा के स्वरूप है कोटि मनोज लजावन हरे के है सियाराम आज मैया सबरी है तेन दोनों भाई ला देखा थे सचमुच में भगवान राम जी हावे तेन श्याम रंग के है सियाराम लखन लाल जी महाराज हावे तेन गोरा रंग के है सियाराम पांचों ठिन पहचान ला मैया सबरी हावे तेन हा पाहे सियाराम और पांचों ठिन पहचान सबरी आज पावन लागे रामा और प्रभु के चरण में मैया गिरन लागे रामा।
श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लिपटाई लिखे है सियारा। जैसे ही पाजो थी लक्षण ला भगवान राम जी और लखन लाल जी में देखे है सियाराम। मैया सबरी हावे तेन हा आनंद में भर गए सियाराम। प्रेम के वशीभूत होकर के आज प्रभु के चरण में गिर के लिपटे है सियाराम। अब प्रभु के चरण में मैया लिपटन लागे प्रसादी कर सकते हैं और जो भोजन प्राप्त कर लिए हैं वे कृपया जल्दी से मंच में आसीन करने के लिए कृपा करेंगे। धन्यवाद। सीताराम भय राजा भज प्यारे मन सीताराम सीताराम भय राजा। आज देखो सबरी जेन हावे तेन भगवान राम जी के चरण कमल में लिपटे है सियाराम। दोनों नेत्र से आंसू के धारा है तेन बहत है सियाराम। माता सबरी हावे तेन भगवान राम से कुछ बोलना तो चाहत है लेकिन प्रेम में अतेक ज्यादा मगन है सियाराम। माता सबरी के वाणी है तेन अवरुद्ध हो चुके है सियाराम। प्रेम में मगन है सियाराम और तेकरे पाए के तो कहे गए सियाराम। जान ऐसो बोले नहीं बोले ऐसो अनजान। अरे गहरे प्रेम समुद्र का डूबे प्रेम सुजान की सियाराम। माता सबरी हावे तेन प्रेम में डूबे हुए है सियाराम। प्रेम के आंसू नेत्र से झरझर झरझर बहत है सियाराम। मानो वो प्रेम के आंसू से भगवान राम जी के चरण कमल ला धो लेना चाहत है सियाराम। माता सबरी हावे तेन प्रेम में मगन है सियाराम। अब भगवान राम ला का चाहिए भगवान राम ला सिर्फ प्रेम चाहिए। काबर राम ही केवल प्रेम प्यारा जानी दे हो जो जान निहारा सियाराम। माता सबरी हावे तेन प्रेम में मगन है नेत्र के आंसू के धारा बहत है सियाराम। और याद रखो आंसू के बरम निकल थे बेटी दूघा। चलो एक बार जोरदार ताली बजा दो सियाराम। वास्तव में आंसू जे नहावे थे दो बेरा में निकल थे सियाराम। पहला जब आपके जीवन में अत्यधिक आनंद के अनुभूति हो ही ना बरबस नेत्र हावे तेन छलक पर थे सियाराम। दूसरा जब आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख आ जाही तब ये नेत्र हावे तेन छल छला पर थे सियाराम। तेकरे पाए के कहें कि हरेक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती। आंसू खुशी के हो या गम के हो प्यारे इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती सियाराम। लेकिन आज मैया सबरी के नेत्र से जिन अश्रु के धारा बहत है वो प्रेम के आंसू हर है सियाराम। भज प्यारे मन सीताराम। चलो आप सबके पावन चरण कमल में निवेदन करो जतेक झीन हमर आदरणीय जनमन बैठे है महतारी मन के कंप्लीट है ना खाए से नहीं खा डरे हो बतात लिए मुस्कात हम पता चला थे खा पी का है सियाराम। तो भैया मन से मैं निवेदन करूं कि जेन भी अभी तक के कौशल्या भंडार में जा करके भोजन प्रसादी प्राप्त नहीं करे हो ही ओकर मन से मोर निवेदन है कि आप कौशल्या भंडार में जा करके भोजन प्रसादी प्राप्त कर लो सियाराम। माता सबरी के नेत्र से अश्रु के धारा है तेन बहत है।
मानो प्रेम के आंसू से भगवान के चरण कमल धो लेना चाहते सियाराम। प्रेमा में वो मगन सबरी होवा न लागे प्रभु के चरण में सबरी निपटन लागे सबरी हेते का करी सियाराम गोस्वामी जी महाराज हेते लिखिन सादर जल ले चरण पखारे सियाराम। माता सबरी हेते ओकर बाद में करीन का सियाराम आदर सहित जल लाए आदर सहित जल ला के भगवान राम जी के चरण कमल हे देला पखारा थे सियाराम। कतेक बड़े सौभाग्य है माता सबरी के प्रेमी सज्जनों जिन आज भगवान के चरण कमल ला पखारे के भगवान के चरण कमल ला धो के मैया सबरी हे दिन सौभाग्य पाए सियाराम। सबरी हावे तेन बिल्कुल निम्न जाति में जन्म ले है कथल आप मन सुनत हो सियाराम। सबरी हावे तेन बिल्कुल निम्न जाति में जन्म ले है सियाराम ओकर बावजूद भी मैया सबरी हावे तेन ला भगवान के चरण कमल ला पखारे के सौभाग्य मिले है सियाराम। ये माता सबरी हावे तेन भले निम्न जाति में जन्म ले है सियाराम लेकिन सबरी के कर्म है तेन हा महान है सियाराम। और तभे तो किहिन कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करही सो तस फल चाखा कही सियाराम। कर्म के ही प्रधानता है प्यारे सज्जनों सबरी हावे तेन भले निम्न जाति में जन्म ले है लेकिन सबरी के कर्म है तेन महान है सियाराम। और तभे तो कहिन का कथे कि भैया कबीरा कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए कथे सियारा। कमरी के पेड़ लगाबो बहनी तो निश्चित मान करके चलो हमर जीवन में कांटा ही आना है सियारा। और आम के फल न लगाबो तो जरूर हमर जीवन में निश्चित रूप से मीठा रस के अनुभूति हमर और आपके जीवन में हो ही सियारा। याद रखो व्यक्ति जेन हावे तेन जन्म से नहीं बल्कि वो कर्म से महान होते। सीताराम भय राजा राम हेलो सीताराम भय राजा भज प्यारे मन सीताराम। व्यक्ति जेन होते तेन जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान होते सियाराम। वास्तव में सबरी के कर्म हावे तेन हर महान है सियाराम। और वही महान कर्म के फल स्वरूप मैया सबरी हावे तेन ला भगवान के चरण कमल ला पखारे के सौभाग्य मिले हे सियाराम। औ सबरी हा चरण पखारा थे आनंद मंगल मनावा थे रामा चरण कमल ला पखारे के सौभाग्य मिले हे सियाराम। वैसे रामचरितमानस में बहुत कम पात्र है सियाराम बिल्कुल गिने चुने पात्र है सियाराम जिनला भगवान के चरण कमल ला पखारे के सौभाग्य मिले हे सियाराम।
सबसे पहली भगवान के चरण कमल ला पखारे के सौभाग्य कौन पाए हे सियाराम? कौन पाए बेटा? भगवान के चरण कमल ला सबसे पहली पखारे के सौभाग्य कौन पाए हे सियाराम? राजा जनक और माता सुनैना की थी सियाराम। राजा जनक और माता सुनैना जिन हावे तेन ला पहला सौभाग्य मिले है भगवान राम जी के चरण कमल ला पखारे के सियाराम। कथन आप सब जानत हो सियाराम, महाराजा जनक हावे तेन धनुष के यज्ञ रचिन जेकर प्रतिज्ञा का है, कथे जेन भी ये धनुष हावे तेन ला तोड़ दी ही सियाराम, ओकर साथ में श्री सीता जी के विवाह कर दी है जाय ही सियाराम। बड़े बड़े राजा मन हर आकर के वो धनुष हावे तेन ला उठाए के प्रयास करी सियाराम, उठाना तो दूर तीर भर तार नहीं सके हे सियाराम। और तभे तो कहेगे हे सियाराम, दस हजार राजा मन एक साथ आकर के ओल उठाए के प्रयास करी लेकिन तिल भर नहीं हटा सकिन कथे सियाराम। भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन तरई न तारा के हे सियाराम। और तब गुरु विश्वामित्र के आदेश लपाई के बाद में भगवान राम जी हावे तेन हा वो धनुष ला तोड़े में सफल हो हे सियाराम। भगवान राम जी के द्वारा वो धनुष जब टूटी तब राजा जनक हे तेन अपन प्रतिज्ञा के मुताबिक माता जानकी के विवाह ला भगवान राम जी के साथ में तय करे हे सियाराम। पानी ग्रहण के बेरा में सज्जनों, पानी ग्रहण के समय राजा जनक और माता सुनैना है तेन गांठ बांध करके आए है। पानी ग्रहण के समय दोनों राजा और रानी हावे तेन गांठ बांध करके आए है और भगवान के चरण कमल ला पखारे के सौभाग्य पाए सियाराम। वो स्वामी जी महाराज लिखिन्ना बर बिलो की दंपति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे की हे सियाराम। पहला सौभाग्य पाए राजा जनक और माता सुनैना हसियाराम। और प्रभु के चरण पखारे हे रामा और आनंद मंगल मनावत हे रामा। भगवान राम जी के चरण कमल ला पखारे के दूसरा सौभाग्य पैन गंगा के किनारे में नाव चलाने वाला केवट हसियाराम। भगवान राम जी ला जब 14 बरस के वनवास होई सियाराम, गंगा के किनारे में आकर के भगवान राम हावे तेन केवट से नहीं हो रहा करी मांगे नावन केवट आना और कह तुम्हारा मरम मैं जाना सियाराम। भगवान राम हावे तेन हर नाव के याचना करिन लेकिन केवट हावे तेन हा कथे प्रभु मैं तोर मरम ला जाना थो सियाराम। वास्तव में केवट हावे तेन भगवान राम के मरम ला जाना त्रिसोई बहिनी आए। बड़े बड़े संत ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी हावे ते नाई थी करके ओकर मर्म हावे ते ललीब खान करे हे सियाराम। रामचरित मानस में तो यहू बात रे कि हिनकी पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई दिखे हे सियाराम। 14 साल तक के लखन लाल जी महाराज ओकर सेवा में है तेकर बारे में घलो लिखिन की लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना लिखे है सियाराम। लेकिन केवट हावे तेन हा बड़ा दावा के साथ में कथे प्रभु मैं तोर मरम ला जाना थोक ही सियाराम।
भगवान के मरमला कौन जान सकते सियाराम। भगवान के मरमला जेन मरमी हुए थे वी ही जान सकते सियाराम। मरमी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नयन उर्गारी ये मरमी हबे ती है जान सकते सियाराम। केमत हबे तेन हकथे प्रभु मैं तोर मरमला जानत हो सियाराम। जब तक के तोर चरण लानी धोआ दे तब तक के मैं तोर गंगा से पार नहीं ले जा सकूं के सियाराम। जब तक के ते चरण लानी धोआ दे तब तक के ये केवट हाबे तेन तोला गंगा से पार नहीं ले जा सके के सियाराम। भगवान राम जी हाबे तेन हा बड़ा सोच में पड़ गए हे सियाराम। केवट हाबे तेन हर की हिस कथे प्रभु मोला आपके कसम है सियारा आपके बाप के कसम है के है सियारा। कते बड़े बात केवट है तेन हा भगवान राम ला बोला थे सियारा। चाहे बोला वो पार ब्रह्म परमात्मा समझ करके कहा चाहे बोला राजा के बेटा राजकुमार समझ करके कहा बात कहा थे तेन अनुचित लागा थे सियारा। लेकिन केवट है तेन कथे प्रभु मोला आपके कसम है सियारा आपके बाप के कसम है सियारा। जब तक के ते चरण लनी धुआ दे तब तक के ये केवट है तेन तुला गंगा से पार नहीं ले जा सके के ही सियारा। यही बात का तो कहीं ना पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहो मोहे राम रावुर आन दशरथ सपत सब साची कहो। बर तीर मारे ही लखन उपाय जब लगिन पाए पखारी हो तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल उपार उतारी हो कहीं सियारा। भगवान राम है तेन केवट के अटपटा बात ला सुने हैं सियारा। लेकिन वो बात कैसन है तो किस के भैया वो प्रेम से लपेटे हुए हैं सियारा। और भगवान राम ला सिर्फ प्रेम चाहिए राम ही केवल प्रेम प्यारा जानी ले हुसो जाना निहारा। भगवान राम है तेन कथे भैया जैसन वे तोर नाव बाँच जाए वैसने ढंग के बुतल कर के सियारा। केवट हाबे तेन प्रसन्न हो गए सियाराम। और पानी कठौता भरी ले आवा कठौता में पानी ला करके भगवान के चरण कमल ला पखारे के सौभाग्य पाए सियाराम। केवट हा चरण पखारे हे रामा आनंद मंगल मनावत हे रामा। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा सियाराम। तो दूसरा सौभाग्य कौन पाहे केवट हा सियाराम। भगवान राम जी के चरण कमल ला पखारे के तीसरा सौभाग्य पाहे रामचरितमानस में जैन प्रसंग ला आधार बना करके आप सबके बीच में चर्चा करत हन सियारा। वो माता सबरी हाबे तेन हा सौभाग्य पाए भगवान राम जी के चरण कमल ला पखारे के सियारा। और भगवान के चरण कमल ला और पखारे है कौन श्री ब्रह्मा जी हा सियारा। अथल आप सब जानत हो राजा बलि के यज्ञ ला विध्वंस करे बर होइस तो विराट रूपधारी भगवान हाबे तेन वामन के रूप में आकर के तीन पांव भूमि हाबे तेन ला मांगे हे सियारा। बलि हाबे तेन हा प्रतिज्ञा करिस कथे कि मैं तोला तीन पग भूमि हे तेन ला दोहूं। एक पग में भगवान हे तेन पूरा धरती ला नापे है दूसरा पग तेन हाबे तेन आकाश में जब किस तब ब्रह्मा जी हावे तेन भगवान के चरण ला पखारे हे सियाराम। भगवान के चरण कमल ला पखारे के बाद ओला कमंडल में रखिन सियाराम।
भागीरथी के निवेदन के पश्चात वो कमंडल के जल हावे दिन भगवान शिव जी के जटा में आए हैं सियाराम, और भगवान शिव जी के जटा के पश्चात ये धरती में आए गंगा मैया के रूप में सियाराम। वो गंगा मैया जिन आज भी समस्त जीव के तरन तारण करत है, ये गंगा मैया कौन? तो किस के भैया भगवान के काए, तो किस के भैया ये भगवान के चरणोदा के सियाराम। ये तरह से ये मल्ला सौभाग्य मिले है भगवान के चरण कमल्ला पखारे के सियाराम। सबरी हचरण पखारे हे रामा, और आनंद मंगल मनावत हे रामा। भगवान के चरण कमल्ला पखारे के बाद गोस्वामी जी महाराज लिखिन्ना, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे सियारा। भगवान जिन हावे तेन ला सुंदर आसन में बिठा है सियारा। राम और लक्ष्मण हावे देकर बर सुंदर आसन दी बना है, ओला आसन में बिठा है, और ओकर बाद मैया सबरी है तिरका करे थे सियाराम। भगवान राम जी के सुंदर स्वरूप हावे तेकर दर्शन करत थे, ओकर छवि के दर्शन करत थे, अचानक वो सबरी मैया हावे तेन ला ख्याल आई, कथे न जाने मोर राम जी हावे तेन कतका बेर के निकले हो ही, खाहे धरनी खाहे, भगवान राम जी हावे तेन भूखा गे हो ही सियाराम। माता सबरी हावे तेन हा वो लाठी के सहारा टेक टेक करके जाते, और जैन भी वो दिन के व्यवस्था हावे तेन ला एक ठिन टुकनी में धर के आए सियाराम। गोस्वामी जी महाराज लिखिन्ना, कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआं, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने सियाराम। काला काला लेकर के आए हैं गोस्वामी जी महाराज है, तेन तीन के चर्चा करे है, पहला कंद, दूसरा मूल, और तीसरा फल कहे सियाराम। आध्यात्मिक विवेचन करने वाले संत मन के बहुत सुंदर अकन कहना है सियाराम, ये कंद काए तो याद रखन प्यारे, ये कंद हकाए तो किस के भैया इही सबरी के कर्म हरे के सियारा। ये कंद हा सबरी के कर्म हरे, तब ये मूल का हो ही याद रखो बहनी हो, हमर और आपके जीवन के मूल तो भक्ति होना चाहिए सियाराम। कौन सा भक्ति? तो भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी, बिनु हरि कृपा न पावहि प्राणी कथे सियाराम। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होइ अनुकूला कथे सियाराम। तो कंद रूपी कर्म और मूल रूपी भक्ति याद रखो, हमर और आपके जीवन के मूल सिर्फ भक्ति होना चाहिए सियाराम। तब कंद हा कर्म है, मूल है अगर भक्ति है, तब ये फल है का हो ही, का हो सकत है फल है? वो स्वामी जी महाराज लिखे, समझ मनियम फूल फल जाना, हरि पद रति रस बोध बखाना कहे सियारा। ये फल है काय बहिनी हो तो किन की ये फल है बेतेन हर ज्ञान है, माने माता सबरी है तेन भगवान राम ला का समर्पित करिन कंद मूल फल, याने ज्ञान भक्ति और कर्म जतका अपन जीवन में वे संचित करे रिसे
वो ज्ञान भक्ति और कर्म जेन है तेन ला भगवान ला समर्पित करे हे सियारा पूर्ण भाव के साथ कि तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोई की हे सियारा। ये कंद मूल फल माने अपन जीवन के जतका यकन ज्ञान भक्ति और कर्म संचित करके रखे हैं ओला भगवान ला समर्पित करे है। ये बड़ा सुंदर से भाव बता है संत मन हसियारा औ मैया वो सबरी मगन हवैरा औ प्रभु ला वो प्रेम से खिलावा खेरा औ प्रेम से वो प्रभु राम खावा खेरा औ आनंद मंगल मनावे राम बजो सिया राम होरा 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 राम बजो सिया राम होरा। अब देख लो सिया राम वैसे तो रामचरितमानस में वो बोइर के चर्चा नहीं है सिया लेकिन अन्य ग्रंथ ला अगर खोल करके देखन ना तो जेर दिन भगवान राम जी हावे तेन सबरी के आश्रम में आए है ना ओ दिन मैया सबरी हावे तेन हा वो बोइर फल के व्यवस्था ला रखे है सियाराम। अब बोइर हा होते कैसे अमर नीर है मीठ भलो रथे सियाराम बोइर है कैसे रहते पहले देखो ना ओकर स्वरूप ला देखना है। बोइर के ऊपर में का रथे बोइर के ऊपर में छिलका रथे रथे ना खाओ नहीं खाओ गोठियाओ घलोनी ही सियारा। जंगल में तब्बड़ बोइर मिला थो नहीं मिले का मिलते ना तब बोइर जेन खाए हो ते मन सब जानत हो बोइर के ऊपर में कार थे तो किहिन के भैया छिलका रथे बीच में कार थे बीच में गुदा रथे सियाराम और ओकर अंदर में कार थे ओकर अंदर में गुठली रथे सियाराम ऐसे रथे नहीं रहे बोइर ऊपर में छिलका ओकर बाद में गुदा और ओकर बाद में गुठली रथे सियाराम। आध्यात्मिक विवेचन करने वाले संत मन के ये कहना है भैया कि माता सबरी के जीवन में कोई प्रदर्शन नहीं है। आपो मन से निवेदन करो प्रदर्शन से आप मन बांच करके रहो सियाराम। अच्छा बहिनी में तोर से पूछा था तोर घर में कोई चार दिन बढ़िया सगाही कारण दे घर में जेन हमन सामान्य रूप से खाथन तेकर से कहीं अधिक करे के प्रयास हमर जीवन में होते सियाराम। नहीं रही तो उधारी बाढ़ी करके करबे लेकिन मेहमान नवाजी में कमी नहीं हो सियाराम। घर में चार दिन सगा जब आ जाए मैं ये बात के निवेदन करूं आप मन के बीच में कि जब भी मेहमान आपके घर में आए प्रदर्शन से बांचे के प्रयास करो सियाराम। वरना चार दिन सगा अगर हमर घर में आ जाते सियाराम हमन हा प्रदर्शन और दिखावा के हदला पार कर देथन। लेकिन सबरी के जीवन देखो बहनी हो कतेक सादगी है कोई साधारण साधारण पुरुष आए सबरी घर में जेन आए हैं सबरी के आश्रम में जेन आए तेन कोई साधारण आए का नहीं। अखिल ब्रह्मांड के नियंता पार ब्रह्म परमात्मा जेन हावे तेन आज सबरी के आश्रम में पहुंचे हैं सियाराम। लेकिन सबरी के जीवन के सादगी देखो प्यारे सज्जनों कोई प्रदर्शन के छिलका नहीं है सियाराम। ना अहंकार के गुठली सबरी के जीवन में नहीं है सियाराम। प्रदर्शन के छिलका नहीं अहंकार के गुठली नहीं ऐसन सुंदर फल हावे तेला
माता सबरी हे दिन भगवान राम ला समर्पित करे हे सियाराम सीताराम और माता वो सबरी फल खिलावा तेरा प्रभु राम प्रेम से खावा तेरा और प्रेम के भूखे प्रभु हावे हो राम प्रेम प्रभु स्वीकार भगवान जिन होते ना वो काकर भूखे है कौन कही से हाथ खड़ा कर भगवान का भूखे है जोरदार ताली बजाओ भगवान जिन हावे तेन हा सिर्फ भाव के भूखे है ना और ओकरे पाई के कहें भाव का भूखा हूं मैं भाव ही बस सार है भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है अन्न धन वस्त्रादि भूषण कुछ भी न मुझको चाहिए भाव से एक फूल दे दो वही मुझे स्वीकार है ये भाव के आवश्यकता है सियाराम। अच्छा बहनी हो तुम्हारे गांव बाजार होते कि नहीं हो खड़मा नहीं हो के दिया होते थे जाथो नहीं जा जाथो ना चलो ठीक है। अच्छा बाजार में जाकर के देखो गृहस्थी चलाने वाला हमार सब बहनी मन बैठे हैं मैं प्रणाम कर रहा हूं बाजार में आप मन जाकर के देखना प्यारे सज्जनों वो सड़े गले टमाटर या भाटा हावे देकर भाव पूछ के देखना सब्जी वाले भाव बताते कि नहीं बताए टमाटर है गल जा रही देखो ते भाव पूछ के देखना सब्जी वाले जरूर ओकर भाव ना बताते सियारा जब सड़े गले टमाटर के भाव हो सकते सियारा तो ये संसार के चलाने वाला अखिल ब्रह्मांड के नियंता पार ब्रह्म परमात्मा के कोई भाव नहीं हुई प्यारे जरूर ओकर भाव है लेकिन दुर्भाग्य है हमारा वो आपके जीवन के प्यारे सज्जनों जैन भाव के आवश्यकता भगवान रहे वही भाव के अभाव है सियारा जैन भाव परमात्मा ला चाहिए वही भाव के हमर मन जगह कभी है सियारा देखरे पाई के किहिन कि बिना भाव बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल भाव बिना किनी हरी मिले भाव सहित हरी बोल कथे सियारा भगवान जेन हावे तेन सिर्फ भाव के भूखे है सियारा भाव कुभाव अनख आलस हूँ नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ कथे सियारा तो भगवान ला सिर्फ भाव चाहिए भगवान जेन हावे तेन भाव के भूखे है सियारा और प्रेम से मैया खावा थेरा और प्रेम से प्रभु राम खावा थेरा बारम बारे प्रशंसा हो राम और माता सबरी के करम कैसना अच्छा चर्चा का चलत भी बोईर के ना तब बोईर कैसना रहते के हो तो तीही का हाथ रेखा खट्टा रहते कि के मीठा रहते दोनों रहते नहीं माने बोईर जेन होते थे के प्रकार के होते दो प्रकार के एक दिन होते थे बड़ा मीठा होते प्यारे सज्जन अब एक आध दिन बोई रहा अते कम्मट रथे कि मुंह जाते साठ ही से करे लाग थे सियारा तब माता सबरी में पहली बतायो ना दांत सपो झर गए सामने दो चार दिन बाजे है तेन में
माता सबरी हावे तेन वो बोई ला चीखा थे सियारा जेन बोई रहा खट्टा लागे तेन ला अलगिया दे सियारा आउ जेन बोई रहा मीठ लागे तेन ला भगवान राम जी ला खिला है सियारा और तेकरे पाई के किहिन सबसे ऊंची प्रेम सगाई के है सियारा सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई झूठे फल सबरी के खाए बहु विधि किन्ह बढ़ाई प्रेम से बस पारथ रथ हाँ के भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई की है सियारा भाव ल स्वीकार करे है माता सबरी है तेन प्रेम से खवा थे भगवान राम जी हावे तेन प्रेम से खाते और ओकर बाद माता सबरी के बार बार प्रशंसा करत है सियारा भारी प्रशंसा प्रभु करत सबरी ला बड़ाई प्रभु देवा थेरा और भारी प्रशंसा माता सबरी के रा और प्रभु राम माता सबरी के बड़ाई करते हुए सियाराम माता सबरी के प्रशंसा करते हुए भगवान राम हे दिन बहुत सुंदर बात कही सियाराम कथे माँ सबरी ते मोर महतारी कौशल्या से बढ़ करके हावस की सियाराम विचार करके देखो प्रेमी सज्जनों ये भगवान राम जी के श्री मुख से निकले हुए वचन है सियाराम जहां भगवान राम है तेर की हिस मां सबरी ते मोर महतारी कौशल्या से बढ़ करके हवस हिसियारा का जन्म देने वाला महतारी से बढ़ करके कोई ये संसार में हो सकते सियारा हो सकते था जेकर गर्भ में 9-10 महीना रख कर रही करके वो प्रसव के असहनी वेदना ला सही करके जैन महतारी हा हमला जन्म दे है सियारा का वो महतारी से बढ़ करके कोई हो सकते थे शायद नहीं लेकिन भगवान राम जी हावे तेर की हिस्मा सबरी तेमुर महतारी कौशल्या से बढ़ करके हावस के सियारा कितना बड़े मान कितना बड़े सम्मान आज माता सबरी लते हैं माता सबरी ला महान बना करके जन्म देने वाला महतारी ला छोटे बना दे सियारा सीताराम राजा राम कतका बड़े सौभाग्य है माता सबरी के सियारा जैन जन्म देने वाला महतारी ला छोटे बना दे है सियारा माता सबरी ला महान बना दे है सियारा सीताराम भगवान राम जी हावे तेन अपन श्री मुख से कहे है सियाराम एकर पाछू जरूर कोई ना कोई कारण हो ही सियाराम जेन में माँ कौशल्या जे जन्म देने वाला महतारी है तेन ला छोटे बना करके माँ सबरी हावे तेन ला महान बना दे है सियाराम का कारण हो सकत है सियाराम आओ ये ला जाने के प्रयास कर बो सियारा नहीं जावे राम हंसा नहीं जावे राम ये बिना भजन भव पर हंसा नहीं जावे राम ये सागर ले वो पार हंसा नहीं जावे राम नहीं जावे राम
बना दी सियारा। सबरी के सामने माता कौशल्या हे तेला छोटे बना दी सियारा। का कारण हो सकत है? आओ ये कारण ला जाने के प्रयास कर बो सियारा। देखो माता कौशल्या घलो भगवान राम ला प्राप्त करे है सियारा बाहना बेटा के रूप में। माता सबरी घलो आज भगवान राम ला प्राप्त करे है सियारा। माँ कौशल्या भी माँ है भगवान राम ला सियारा। माँ सबरी घलो पा है भगवान राम ला सियारा। लेकिन दोनों के पाए में जमीन आसमान के अंतर है सियारा। अच्छा माता कौशल्या भगवान राम ला कैसे पैस जानत हो? माता कौशल्या हा भगवान राम ला कैसे पैस ले आए? आए? जन्म देख पैस ना। चलो ठीक चलो चलो बजा दो बने बता बिचारी मन है। देखो माता कौशल्या हा भगवान राम ला कैसे पै आप सब जानत हो। महाराज दशरथ के एको झिन बेटा निरी से सियारा। महाराज दशरथ के एको झिन जब बेटा निरी से तो वो गुरु वशिष्ठ जगा गिन और गुरु वशिष्ठ हावे तेन हर ये बात ला बताइस कथे कि तोला पुत्र यष्टि यज्ञ करे बर पढ़ी है ना। आओ पुत्र यष्टि यज्ञ करबे तब तोला पुत्र के प्राप्ति होही कहे ऋषि ऐसे हर नहीं हो। तब भगवान राम ला पाए बर महाराज दशरथ हे तेन पुत्र यष्टि यज्ञ करिन पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा और वो यज्ञ हावे तेन हा सफल हो तब प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्हे रामचरित मानस में लिखे है सियारा। यज्ञ हा सफल हो तब अग्नि देव हावे तेन हा चरु में खीर लेकर के प्रगट हुई सियारा। वही जैन खीर हावे तेला तीनों झीन महतारी मन खई सियारा। ऐसे है नहीं वो है? अग्नि देव के द्वारा दिए हुए जैन खीर हावे तेला कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा तीनों झीन प्राप्त करी और तब माता कौशल्या हे तेन भगवान राम ला बेटा के रूप में पाए सियारा। माने ये खीर हा काए खीर हा खीर जेन हावे तेन हा यज्ञ के फल है ना भाई। अंतिम परिणति जेन होते ना तेन ला फल कथे। आप मन परीक्षा देवात हो तब का होते रिजल्ट आते तेन ला हिंदी में का कथे परीक्षा फल कथे ना। आए एग्जाम देवा करके आवे तो वो का कहे जाते परीक्षा फल। और वो यज्ञ करवा है जेन खीर मिले है तेन का है तो किस वो यज्ञ यज्ञ के फल की सियारा। तब माने माता कौशल्या हावे तेन यज्ञ के फल ला खाए के बाद में भगवान राम ला पाहे सियारा। लेकिन धन्य है माता सबरी है सियारा जेन हा फल खा करके नहीं बल्कि भगवान राम हावे तेन ला फल खिला करके प्राप्त करे है सियारा। माता कौशल्या फल खा करके जबकि माता सबरी हावे तेन फल खिला करके प्राप्त करे है सियारा। आप सब जाने थो सियारा मारने वाला से बढ़कर के बचाने वाला होते सियारा खाने वाला से बढ़कर के खिलाने वाला होते सियारा। माता कौशल्या है तेन फल खा करके और माता सबरी हावे तेन फल खिला करके प्राप्त करे है सियारा। देखरे पाए के भगवान राम हावे तेन हर किस्मा सबरी ते मोर महतारी कौशल्या से बढ़ करके हावस की सियारा। आई ऐसे वे प्रशंसा सबरी के करन लागे सिया हो राम भारी वो सम्मान वो मैया देवन लागे राम। सागर ले वो पार
तेन हर माता सबरी के प्रशंसा करीन ओला मान दिन सम्मान दिन बधाई दिन की होशियारा ओकर बाद में माता सबरी है तेन का करी सियारा जोरी पानी आगे भई ढाढ़ी भगवान राम के सामने में हाथ जोड़ करके मैया सबरी हावे दिन हा खड़े हे सियारा ओकर सुंदर स्वरूप ला देखत है और ओकर स्वरूप ला देखते हुए कथे के ही विधि स्तुति कराऊं तुम्हारी और अधम जाति में जड़ मति भारी की सियारा इसके प्रभु मैं तोर कौन प्रकार के स्तुति कर पाऊ एक तो मैं अधम जाति में जन्म ले हूँ मैं बिल्कुल जड़मती के हूँ महाराज मोर बुद्धि हवे तेन पथरा के है सियारा कतका विनम्र भाव है सबरी के जीवन में देखो प्यारे सज्जनों माता सबरी ला भगवान राम ला खोजे पर जरूरत नहीं पड़े है भगवान राम जी हावे तेन माता सबरी के पता लगाते हुए ओकर आश्रम में आए सियारा सौभाग्य पाए है भगवान राम जी के चरण कमल ला पखारे के सौभाग्य पाए है अपन हाथ से भगवान ला खिलाए के सियारा ओकर बावजूद भी माता सबरी हावे तेन हरकते महाराज एक तो मैं अधम जाति में जन्म ले हो निम्न जाति में मोर जन्म हो है मैं जड़ मती हावा मोर बुद्धि हावे तेन पथरा के कथे सियारा कतका विनम्र भाव है कतका नम्रता है सबरी के जीवन में सियारा जेकर में झुके के गुण होते ना वही हा संसार में विनम्र बन सकते सियारा और जेन हा अकड़े रही तेन हा ओ सदा अकड़ करके रही जथे सियारा ओकरे पाए के तो किहिन कि झुकते वही है जिसमें जान होती है अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है कि सियारा सबरी हावे तेन हर किस की अधम ते अधम अधम अति नारी तीन माह मतिमन दयाधारी की सियारा माता सबरी हावे तेन अपन आपला एक बार नहीं याद रखो प्रेमी सज्जनों माता सबरी हावे तेन अपन आपला एक बार अधम नहीं कहे है भगवान राम के सामने माता सबरी हे तेन अपन आपला तीन बार अधम कहे है सियारा अधम ते अधम अधम अति नारी तीन माह मैं मति मन दया धारी के हे सियारा का कारण हो ही सियारा जेन में माता सबरी हावे तेन हा अपन आपला तीन बार अधम की ही कोई तो कारण हो ही आ वो तीन बार अधम काबर के हे जानन की ही सियारा सबले पहली अधम जाति के अधम आप जानत हो माता सबरी के जन्म हो है तेन हर बिल्कुल निम्न जाति में हो है जेन ला अधम कहे जाते सियारा अधम जाति में जन्म ले हो महाराज तेकर कारण में अधम हो कि दूसरा कथा ला आप अतेक बेले सुनत हो सबरी के बिहाव हो है का नहीं हो है ना तब जेन हा अब बिहाव नहीं हो है तेन पति के सेवा करे हो ऐसे हो नहीं सके है ना भाई तब पति सेवा से जेन नारी हा वंचित है सियारा रामचरित मानस में उन अधम के है सियारा अधम सो नारी जो सेव न ते ही माने जेन हा पति सेवा से वंचित नारी है सियारा ओला रामचरित मानस में अधम के है सियारा तीसरा अधम आप मन के पावन चरण में निवेदन कर दो कथा तुम्हारे डहर जावा थे सियारा तीसरा अधम नारी जाति जेन हावे तेन ला सहज में अपावन सहज में अधम के है सियारा सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लहाई माने
नारी जन होते वो सहज में अपावन हो जाते सियाराम। एकरे कारण नारी जाति हावे तेला अधम के श्रेणी में राखे है सियाराम। अच्छा नारी जाति जेन हावे तेन हा एक महीना के कोनो भगवान के व्रत कर सकते का कर सकू बहनी हो शायद नहीं कर पा है ना। वे बात में आगे नहीं बढ़ाऊ आप सब समझदार हो सियारा। लेकिन एक नारी जेन होते तेन एक महीना तक के काकरो भी व्रत करना चाहे कहीं न कहीं वो खंडित हो जाते सियाराम। भैया कोई भी व्रत आपके नहीं हो सके पतिव्रत धर्म के पालन करो के है सियाराम। एकर कारण तीन बार अधम अपन आपला माता सबरी है बिन्हा के है सियाराम। अभी ऐसे ढंग के माता वो सबरी प्रभु बोलन लागे रामा औ ध्यान का लगा के प्रभु जी सुनन लागे रामा। यहाँ पर मैं माता सबरी हावे तेन की हिस्के में अधम जाति में जन्म ले हूँ महाराज। भगवान राम हावे तेन हर खंडन करिस का जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई ये सब चीज ला मैं नहीं मानो कि हिस्याराम। देहा संसार के सिर्फ एक ठी रिश्ता एक ठी नाता है देला मानता हूँ काला वो भक्ति के नाता है ते लमाथो ही लमें स्वीकार करता हूँ कि सियाराम। भगवान राम हावे तेरा माता सबरी हावे तेला भामिनी शब्द के उपयोग करी सियाराम। माता सबरी के लिए भामिनी शब्द के उपयोग करे है सियाराम। कह रघुपति सुनु भामिनी माता मानहु एक भगति करनाता। अच्छा ये बताओ भामिनी कौन लग थे कौन लग थे। भामिनी कहे जाते जेन बहुत सुंदर हो बहुत रूपवती हो एला भामिनी कहे जाते सियाराम। आज के हिसाब में कहा तो वेरी ब्यूटीफुल जिन लग कहे जाते सियाराम। तो जेन बहुत ज्यादा सुंदर हो होला भामिनी कथे या प्रश्न जगह ये खड़ा होते कि का सबरी सुंदर है। कथा लतका बेले आप मन सुनत हो सबरी सुंदर है का। अरे जेकर बाल पाक जाए चेहरा में झुर्री आ जाए दांत हावे तेन हाथ टूट जाए लाठी के सहारा में अपन जीवन जिए तेन का सुंदर हो सकते हो जे सुंदर। लेकिन राम जी कहा थे कह रघुपति सुनु भामिनी माता। राम जी हावे तेन कथे कि हे सुंदरी मैं भक्ति के नाता हे तेन ला स्वीकार करता हूं का सबरी हे तेन सुंदर हे सियाराम नहीं है। लेकिन याद रखो भगवान राम जी जेन हावे तेन तन के सुंदरता नहीं मन के सुंदरता ला स्वीकार करते सियाराम। तन के सुंदरता आज नहीं कल ये ढल जाने वाला है सियाराम। बाल्यपन में आपके सुंदरता अलग रही सियाराम। युवापन में आपके सुंदरता अलग हो जही सियाराम। बुढ़ापा में कतेक सुंदर देखू दिला देख लो सियाराम। लेकिन भगवान राम है तेन बोला सुंदरी की हिंका कारण भगवान राम हावे तेन तन के सुंदरता नहीं वो मन के सुंदरता ला देखते। जो सुंदर है वो अंदर है जो अंदर है वो सुंदर है कि सियाराम। एकरे कारण भगवान राम हावे तेन हर की कह रघुपति सुन भामिनी माता मानहु एक भगति कर नाता कि सियाराम। सिर्फ भक्ति के नाता है तेन ला स्वीकार करता हूँ भक्ति के नाता हावे तेला में मानता हूँ कि सियाराम। अब ऐसे ढंग के प्रभु का राम
बोलन लागे सिया हो राम औ ध्यान गा लगा के सबरी सुनन लागे राम भगवान राम हावे देन की हिस्के में सिर्फ भक्ति के नाता ला स्वीकार करता हूँ कि हिस्यारा और भक्ति के नाता ला स्वीकार करके भगवान राम जी हावे देन माता सबरी ला नवधा भक्ति बताए हिस्यारा नवधा भक्ति बताए के पहली माँ सबरी ला सावधान करे हिस्यारा नवधा भक्ति कहा हूं तो ही पाही सावधान सुनो धरु मन माही सियाराम सबरी मैं तोला नौ प्रकार के भक्ति बता थो सियाराम मैं आपके बीच में नवधा भक्ति है तेला राखत हो सियाराम सावधान होकर के सुनना हृदय में धारण करना सचमुच में तोर कल्याण हो जही कि सियाराम केहे के भाव समझो प्यारे सज्जनों मैं आप मन के बीच में बहुत निवेदन पूर्वक ये बात ला रखा भक्ति बहुत साधारण नहीं है प्यारे सज्जनों ना राम कथा साधारण है ये अलग विषय कि आज जिन राम धुनी के बहुत सारा जिन मंडली आते वो राम कथा में ना होकर के ओला मनोरंजन के रूप में संत समाज के बीच में परोस से सियाराम भाग्य है प्यारे सज्जनों ये हमर मानव जीवन के लिए राम कथा हमर और आपके जीवन के व्यथाला समाप्त करे के लिए काफी है प्यारे सज्जनों बसरते शर्त ही है राम कथा ला कथा समझ करके सुनना हृदय में धारण करना तब कल्याण हो सकते सियाराम सीताराम लेकिन आज के मंडली के स्तर आप मन देखत हो तीन दिन से चला था ना ये राम धुनी की यात्रा तीसरा दिवस है ना चौथा दिन का हो तीन दिन की यात्रा बहुत सारा मंडली आप मन देखे हो मैं निवेदन कर दूं मैं काकरो कोई भी मंडली के अवहेलना करत हो या ओमल्ला अपमानित करत हो ये बात नहीं लेकिन सबसे मोर निवेदन होते छत्तीसगढ़ राम धुनी महासंघ के अध्यक्ष होए के नाते जब भी बैठक हुई ये बात मैं बहुत प्रमुखता के साथ में रखे के प्रयास करता हूं भैया राम कथा ला मनोरंजन के साधन मत बनाओ के होशियाराम लेकिन आज के जैन मंडली हावे तेन हा राम कथा ला मनोरंजन या मजाक के विषय बना दे है गलती आपो मन के नहीं है इसे बात नहीं मोला कतका झीन यहाँ पर मैं पसंद करत हो ये बात ना मैं नहीं कहा लेकिन काली बार ये चर्चा जरूर हो ही एको कनिक नहीं हंसो सिया ऐसे कहिया कमी नहीं मिले सियाराम आज का एकन बोलने वाला आप सबला बहुत कुछ मिल सकते सियाराम आप सब झांकी देख करके मनोरंजन करते हो लेकिन विचार करके देखो झांकी आपके जीवन के लिए कतका सार्थक है सियाराम कथा ही आपके जीवन ला संवार सकते है कथा ला मनोरंजन के विषय अगर बना हो याद रखो कभी कल्याण होने वाला नहीं है सियाराम कथा ला सुने के बाद बोला आत्मसात करना है कान से सुने के बाद बोला हृदय में उतारना है हृदय में उतारे के बाद बोला जीवन में अपना करके भी रास्ता में चलना है तब ये कथा हमारे जीवन के लिए सार्थक हो सकते है सियारा एकरे कारण भगवान राम हावे तेन हा सबरी ला पहली सावधान करिन सावधान होकर के सुनना हृदय के गहराई तक के उतारना तोर जीवन के कल्याण हो जही कहे है सियाराम और पहली का भक्ति ला प्रभु बतावन लागे सिया हो राम और ध्यान का लगा के सबरी सुनन लागे राम
प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा के हिस्यारा हम भगवान राम हवे तेन पहली भक्ति बताई सियारा पहली भक्ति का ये तो किस के भैया संत मन के संगति करना ये पहली प्रकार के भक्ति एक सियाराम पहली प्रकार के भक्ति है संत मन के संगति करना। अब विचारनी प्रश्न ये है कि कैसना संत के संगति करना वो संत हावे देन हमारे जीवन में कब आ सकते हैं कब वो संत हावे देकर दर्शन हो सकते हैं कब वो संत के साथ में हमारे मिलन हो सकते हैं सियाराम। तो याद रखो संत के आगमन हमारे जीवन में कब हो सकते हैं तो किस बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता की सियाराम। संत हमारे जीवन में कब आ सकते हैं जब हरि के कृपा हो ही तब और दूसरा पुण्य पुंज बिनु मिले ही संता जब तक के हमर कोई पूर्व जन्म के पुण्य के उदय नहीं हो ही तब तक के हमर जीवन में संत के आगमन नहीं हो सके सियाराम। एक बात के निवेदन कर दो भाई हमर बहुत प्रिय भाई लीलेश जी है निवेदन कर दे कि भैया अब यज्ञ प्रारंभ होने वाला है कथल ही जगह विराम देना है एक के बात के निवेदन करत मैं अपन वाणी विराम दो हूं। ऐसन संत के संगति मत करना प्यारे संत कैसन हो तो कहिस के भैया संत जेन होते वो काए तो कहिस के वो हमर मंजिल हरे के हिस्यारा। भारत जेन हावे तेन ला ऋषि प्रधान कृषि प्रधान देश है सियारा लेकिन दुर्भाग्य है अब ऋषि प्रधान कृषि प्रधान नहीं होकर के सीसी प्रधान हुआ थे सियारा। निवेदन करो ये संत ऋषि महात्मा के भूमि हरे प्यारे सज्जनों ऐसन संत के संगति करो जेन आपके दिशा और दशा हावे तेला बदल सके ऐसन संत के संगति करो जेन भगवंत तक के ले जाए के हिस्यारा। बड़े बड़े संत ऐसन संत के संगति मत करो जेन आप लतो नरक में ले जाए प्रयास करते अपन हावे ते स्वयं जेल के हवा खावा थे सियारा। काकरो नाम लेना उचित नहीं है प्यारे लेकिन संत के संगति ऐसन करो जेकर माध्यम से आप सबके जीवन के कल्याण हो सके सियारा। आओ पुनः आप सबसे सादर क्षमा चाहत कार ये सबरी के प्रसंग जेन हावे तेन बहुत गंभीर प्रसंग है और नौ प्रकार के भक्ति के विवेचन पुनः आप मन के बीच में नहीं हो पावत है कभी और समय बनही आप सबके कृपा पात्र में अगर बन जाओ और कभी आप मन के आमंत्रण मिले है तो जरूर सबरी मैया के जेन प्रसंग है नवधा भक्ति हमारे जीवन के लिए कतका उद्देश्यकारी है ये सब भाव न रखे कि हमारे प्रयास हो ही जेल भी लड़का से गलती हुई सो ही वो समस्त गलती के लिए आप सबसे सादर क्षमा चाहत। आओ अंतिम भजन के साथ में सादर विदाई श्री ब्रह्मानंद जी महाराज के चेतावनी भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई चाहो जाग बंदे जाग प्यारे अब तो मनवा जाग राम जाग बंद जाग प्यारे अब तो मनवा जाग राम जाग प्यारे जाग प्यारे अब तो अब तो मनवा जागरा अब तो प्यारे
संकट में काले के तैजाबे राम मुठ बांध के आए जगत में हाथ सारे राम काले के तैजाबे जगत में काले के तैजाबे राम मुठ बांध के आए जगत में हाथ सारे जाबे राम काले के तैजाबे जगत में काले के तैजाबे राम मुठ बांध के आए जगत में हाथ सारे सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय बोलिए मुरहादेव भगवान की जय लीजिए एक बार।